बच्चे जो टॉपिक है वो हमारा वो है मूल मात्रक। मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं वो कहलाते हैं मूल मात्रक। मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं वो कहलाते हैं मूल मात्रक। फिजिक्स में कम से कम आपके 700 से 800 भौतिक राशि है, इसमें 7 जो हैं मूल भौतिक राशियां हैं, ठीक है, और इनके मात्रक जो होंगे आपके वो कहलाते हैं मूल मात्रक। मूल भौतिक राशि मैंने कल बताई थी आपको, पहला क्या आपका द्रव्यमान, दूसरा आपका लंबाई, तीसरा आपका समय, चौथा है ताप, पांचवा है ज्योति तीव्रता, छठा है विद्युत धारा, सातवां है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ये तो 7 जो मूल भौतिक राशियां होंगी, इनके जो मात्रक होंगे वो कहलाते हैं आपके मूल मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपका किलोग्राम, लंबाई का क्या होता है मीटर, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का होता कैंडेला, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का होता है आपका मोल, ठीक। तो ये आपके जो ये हैं ये मोल मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका व्युत्पन्न मात्रक, मात्रक, ठीक है। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के जो मात्रक हैं वो कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या हैं, इससे चाल है, चाल बराबर आपका दूरी बट्टे समय होता है। दूरी को किस में मापते हैं, लंबाई में, यानी लंबाई का मात्रक मीटर, समय का सेकंड, यानी जो चाल का मात्रक बना हुआ है वो दो राशियों से मिलकर बना हुआ है, एक तो आपका मीटर, दूसरा आपका सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। वैसे वेग का होता है विस्थापन बट्टे समय, ठीक है, यानी इसको भी हम मीटर पर सेकंड। त्वरण का है, ठीक, और बल का है, और आपका आयतन है, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं आपके व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि ये मात्रक जो होते हैं व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है।